नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। साल 2020 में बहुत सारी मूवीज और शोज की रिलीज डेट शफल हुई और हमें हमारे फेवरेट शोज के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ा, लेकिन साल 2021 काफी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है और इस साल बहुत से अमेजिंग शोज रिलीज होने वाले हैं। आज हम 2021 के ऐसे ही मोस्ट एंटिसिपेटेड मोस्ट अवेटेड शोज के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड शोज कमिंग इन 2021। लिस्ट में एडिट शोज को मैंने रैंकिंग नहीं दी है, अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, तो प्लीज रैंकिंग बेसिस पे इन शोज को जज मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 20 पर है वांडा विजन। मार्वल के कैरेक्टर्स वांडा और विजन पर बेस्ड ये मिनी सीरीज एमसीयू फेज 4 की पहली सीरीज होने वाली है। सितंबर 2018 से ही मार्वल स्टूडियोज बहुत से लिमिटेड सीरीज पर काम कर रहे हैं जो एमसीयू के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड होंगी। वांडा विजन भी इन्हीं लिमिटेड सीरीज में से एक है और 2021 में मार्वल की और भी बहुत सी सीरीज रिलीज होने वाली हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। वांडा विजन सीरीज एवेंजर्स एंड गेम के आगे के इवेंट्स हमें दिखाएगी। 9 एपिसोड्स वाली ये मिनी सीरीज 15 जनवरी 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। नंबर 19 पर है यू सीजन 3। ये एक पॉपुलर साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है जिसे फर्स्ट सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने टेक ओवर किया और नेटफ्लिक्स पर आने के बाद ये शो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। 14 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स ने इस शो को थर्ड सीजन के लिए रिन्यू किया था। थर्ड सीजन की रिलीज डेट फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन रिलीज ईयर 2021 फिक्स किया गया था। रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने यह कंफर्म किया है कि इसके थर्ड सीजन का प्रोडक्शन नवंबर में रीस्टार्ट हो गया है, यानी चांसेस हैं कि थर्ड सीजन 2021 में रिलीज हो। नंबर 18 पर है वाइकिंग्स वेलहाला। यह हिस्ट्री चैनल की मोस्ट पॉपुलर सीरीज वाइकिंग्स की स्पिन ऑफ सीरीज है जो नवंबर 2019 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस की थी। वाइकिंग्स वेलहाला की स्टोरी वाइकिंग्स सीरीज के 100 ईयर्स बाद के इवेंट्स दिखाएगी और बेस्ट नॉन नॉर्थमैन लेइफ एरिक्सन, किंग हेराल्ड और फ्रेडिस के एडवेंचर को फॉलो करेगी। 2019 में जब ये सीरीज अनाउंस की गई थी तब 2021 में इसकी रिलीज डेट कंफर्म की गई थी, लेकिन 2020 में इसका प्रोडक्शन डिले हुआ है तो हो सकता है शायद इसकी रिलीज डेट थोड़ी डिले हो जाए। इस सीरीज का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड रिलीज टाइम है 2021। इसके 24 एपिसोड्स अनाउंस किए गए थे तो चांसेस हैं कि 12 एपिसोड्स वाले दो सीजन के साथ इस सीरीज को रिलीज किया जाए। नंबर 17 पर है द विचर सीजन 2। ये हेनरी केविल स्टारर एक पॉपुलर फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसका फर्स्ट सीजन दिसंबर 2019 में रिलीज हुआ और नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वॉच्ड शोज की लिस्ट में ये शो सेकंड पोजीशन पर रहा था। इस शो का सेकंड सीजन इसके फर्स्ट सीजन के रिलीज होने से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। इसके सेकंड सीजन में 8 एपिसोड्स होंगे और ये 2021 में रिलीज होगा। पैंडेमिक के बाद सेकंड सीजन का प्रोडक्शन वापस ट्रैक पर आ चुका है। नंबर 16 पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। दोस्तों, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म ट्रायोलॉजी तो आप सबने जरूर देखी होगी। ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म सीरीज एवर मेड का टाइटल इसे मिला था और वाकई में यह आज तक बनी सबसे फाइनेस्ट फिल्म सीरीज है। ये टीवी सीरीज इस फ्रेंचाइज की प्रीक्वल होगी, यानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज के इवेंट से पहले की स्टोरीज में दिखाई जाएगी। सीजन 1 में 8 एपिसोड होंगे और इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है। पैंडेमिक की वजह से रिलीज प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रीवियस अनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सीरीज 2021 में शुरू हो जाएगी। नंबर 15 पर है द लास्ट किंगडम सीजन 5। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज है जिसको थर्ड सीजन से नेटफ्लिक्स ने टेक ओवर किया था। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद हिस्टोरिकल ड्रामा शोज के फैंस के बीच ये सीरीज काफी पॉपुलर रही थी। इसके थर्ड और फोर्थ सीजन के एंड के बाद 7 जुलाई 2020 को इसे फिफ्थ सीजन के लिए रिन्यू किया गया था। इसके फिफ्थ सीजन की रिलीज डेट फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन इसका प्रोडक्शन स्मूथली रीस्टार्ट हो चुका है, यानी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मिड 2021 या लेट 2021 में इसका फिफ्थ सीजन रिलीज हो जाएगा। नंबर 14 पर है द हैंडमेड्स टेल सीजन 4। ये हुलू ओरिजिनल एक अमेजिंग ड्रामा थ्रिलर शो है। सीरीज की स्टोरी ऐसे टाइम में सेट है जहां फर्टिलिटी रेट्स बहुत कम हो चुकी हैं। इस वर्ल्ड वाइड इनफर्टिलिटी की वजह से अब फर्टाइल वुमेन को चाइल्ड बियरिंग स्लेवरी में इंडल्ज किया जाता है। इस सीरीज का फोर्थ सीजन 2020 के एंड में रिलीज होने वाला था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से फाइनल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ और इसकी रिलीज डेट 2021 में शिफ्ट हो गई थी। शो के क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग इस शो का फोर्थ सीजन 2021 में डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा। नंबर 13 पर है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। दोस्तों, मार्वल के लिमिटेड सीरीज वाले प्रोजेक्ट्स में ये सेकंड मिनी सीरीज है जो 2021 में रिलीज होने वाली है। ये सीरीज अप्रैल 2019 में अनाउंस की गई थी और अक्टूबर 2019 में इसकी फिल्मिंग शुरू हो चुकी थी। ये सीरीज एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के बाद के इवेंट्स हमें दिखाएगी। 6 एपिसोड वाली ये मिनी सीरीज 19 मार्च 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। नंबर 12 पर है द बुक ऑफ बोबा फेट।
ये साइफाई ड्रामा सीरीज स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज का पार्ट है और पॉपुलर शो द मैंडलोरियन की ये स्पिन ऑफ सीरीज है जो लेजेंडरी बाउंटी हंटर बोबा फेट पर सेंटर्ड है। ये स्पिन ऑफ सीरीज द मैंडलोरियन सीरीज की टाइमलाइन और स्टोरी को एक्सपेंड करेगी। द बुक ऑफ बोबा फेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 में की गई थी, अब इसकी फिल्मिंग भी शुरू हो चुकी है और दिसंबर 2021 में इसे रिलीज किया जाएगा। नंबर 11 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4। इस मोस्ट पॉपुलर साइफाई हॉरर मिस्ट्री शो के फोर्थ सीजन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। यह नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वॉच्ड सीरीज है जिसका एक्टिव इंटरनेशनल फैन बेस है। इसका फोर्थ सीजन सितंबर 2019 में अनाउंस हुआ था। पैंडेमिक की वजह से सभी शोज की तरह इसका प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन सितंबर 2020 में प्रोडक्शन वापस ट्रैक पर आ गया था। सीजन 3 की तरह हो सकता है कि सीजन 4 भी जुलाई 2021 में रिलीज हो, लेकिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ है इसीलिए शायद रिलीज डेट डिले हो सकती है, लेकिन लेट 2021 तक तो सीजन 4 रिलीज हो ही जाएगा। नंबर 10 पर है सेक्स एजुकेशन सीजन 3। ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कॉमेडी ड्रामा सीरीज क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रही थी और काफी पॉपुलर भी रही थी। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके सेकंड सीजन की रिलीज के बाद इसे थर्ड सीजन के लिए रिन्यू किया गया था। पैंडेमिक के बाद इसका प्रोडक्शन रीस्टार्ट हो चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेट 2021 तक थर्ड सीजन रिलीज हो जाए। नंबर 9 पर है पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6। ये एक अमेजिंग पीरियड क्राइम ड्रामा सीरीज है जो अपनी स्टोरी और कैरेक्टर्स की वजह से व्यूअर्स के बीच बहुत पॉपुलर रही है और अब टॉमी शेल्बी के फैंस को उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है और ये इंतजार शायद 2021 में खत्म हो सकता है। इसके सीजन 6 का प्रोडक्शन 2020 में स्टार्ट होने वाला था और इस बेसिस पर अर्ली 2021 में इसकी रिलीज फिक्स हुई थी, लेकिन अब प्रोडक्शन अगर अर्ली 2021 में स्टार्ट होता है तो चांसेस हैं कि सीजन 6 लेट 2021 तक रिलीज हो जाए। नंबर 8 पर है ओजार्क सीजन 4। ओजार्क एक अमेजिंग क्राइम ड्रामा सीरीज है जो थर्ड सीजन के बाद व्यूअर्स के बीच बहुत पॉपुलर रही थी। इसका थर्ड सीजन मार्च 2020 में रिलीज हुआ था और उसके बाद जून 2020 में इस पॉपुलर शो को फोर्थ सीजन के लिए रिन्यू किया गया था। इसके फोर्थ और फाइनल सीजन में 14 एपिसोड होंगे और इसे दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। इसके फोर्थ सीजन का प्रोडक्शन नवंबर 2020 में रीस्टार्ट हुआ था, तो मिड 2021 तक ओजार्क फाइनल सीजन का फर्स्ट हाफ हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 7 पर है मनी हाइस्ट सीजन 5। मनी हाइस्ट ये नाम सुनते ही इसका थीम म्यूजिक बेला चाओ सुनाई देने लगता है, इसके कैरेक्टर्स की इमेज हमारे दिमाग में बनने लगती है। इसके फोर्थ सीजन को एक थ्रिलिंग नोट पर खत्म किया गया था जिससे कि सीजन 5 के लिए क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई है। जुलाई 2020 में इस शो को फिफ्थ एंड फाइनल सीजन के लिए रिन्यू किया गया था जिसमें 10 एपिसोड होंगे। अगस्त 2020 में इसकी फिल्मिंग शुरू हो गई थी जिसकी कुछ फैन क्लिक्ड फोटोज भी वायरल हुई थी। सीजन 5 के कास्ट में कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं और दिसंबर 2020 में इसका प्रोडक्शन रीस्टार्ट हुआ है, यानी लेट 2021 तक सीजन 5 रिलीज हो सकता है। नंबर 6 पर है लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3। ये एक अमेजिंग साइफाई स्पेस थ्रिलर सीरीज है जो 1965 की सीरीज लॉस्ट इन स्पेस का रीबूट है। ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज रॉबिन्सन फैमिली के एडवेंचर्स को फॉलो करती है। इस नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्च 2020 में इसे थर्ड एंड फाइनल सीजन के लिए रिन्यू किया गया था, यानी रॉबिन्सन फैमिली की ये लास्ट एडवेंचर राइड होगी। सीजन 3 के अनाउंसमेंट के साथ ही इसकी जनरल रिलीज 2021 के लिए फिक्स की गई थी, जो प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा डिले हो सकती है, यानी मिड 2021 या फिर लेट 2021 तक इसका थर्ड सीजन रिलीज होगा। नंबर 5 पर है लोकी। वांडा विजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद ये एमसीयू फेज 4 की थर्ड सीरीज होगी। ये मिनी सीरीज नहीं है क्योंकि करंटली इसके सेकंड सीजन पर काम चल रहा है। 6 एपिसोड वाला इसका फर्स्ट सीजन रेडी हो चुका है जो मई 2021 में डिज्नी प्लस पर रिलीज होगा। एमसीयू फेज 4 की इनिशियल सीरीज की तरह लोकी सीरीज भी एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के आगे की स्टोरी हमें दिखाएगी। नंबर 4 पर है हॉकआई। ये सीरीज भी मार्वल स्टूडियोज की अमेजिंग मिनी सीरीज प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। मार्वल ने साइड कैरेक्टर्स पर बेस्ड 5 मिनी सीरीज अनाउंस की थी। वांडा विजन, व्हाट इफ, लोकी, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के साथ हॉकआई भी इसी कलेक्शन का हिस्सा है। इसकी स्टोरी भी एवेंजर एंड गेम्स के आगे के इवेंट्स हमें दिखाएगी और सुपर हीरोइन केट बिशप को फैंस से इंट्रोड्यूस करवाएगी। इस मिनी सीरीज की रिलीज लेट 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। So who are you working for? Eastern Bloc, Acevedo, Langley. I'm not working for anybody, okay? नंबर 3 पर है डेड टू मी सीजन 3। डेड टू मी एक डार्क कॉमेडी शो है जो अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी और लीड स्टार्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से बहुत पॉपुलर रहा था। जुलाई 2020 में नेटफ्लिक्स ने इस शो को थर्ड एंड फाइनल सीजन के लिए रिन्यू किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थर्ड सीजन का प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू होगा और अप्रैल 2021 तक चलेगा, तो चांसेस हैं कि 2021 के एंड में इस डार्क कॉमेडी शो का थर्ड सीजन रिलीज हो जाए। नंबर 2 पर है बेटर कॉल सॉल सीजन 6।
ये एक अमेजिंग क्राइम ड्रामा सीरीज है जो ब्रेकिंग बैड की स्पिन ऑफ भी है और उसका प्रीक्वल भी है। 13 एपिसोड्स के साथ इसके 6th एंड फाइनल सीजन की रिलीज 2021 के लिए फिक्स की गई थी, लेकिन प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस के कारण रिलीज डेट्स डिले हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च 2021 तक इसका प्रोडक्शन रीस्टार्ट होगा, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीजन 6 लेट 2021 में शुरू हो जाए। नंबर 1 पर है अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 10। ये FX नेटवर्क की एक लॉन्ग रनिंग पॉपुलर एंथोलॉजी हॉरर सीरीज है। इसके हर एक सीजन को एक मिनी सीरीज कहा जा सकता है क्योंकि ये एंथोलॉजी सीरीज है और इसके हर सीजन में डिफरेंट कैरेक्टर्स और स्टोरी देखने को मिलती है। 2011 में शुरू हुई इस सीरीज के 9 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं। इसका 10th सीजन लेट 2020 में रिलीज होना था, लेकिन इसे 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीजन 10 का प्रोडक्शन शायद कंप्लीट हो चुका है, यानी मिड 2021 में शायद इसका 10th सीजन शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे 20 पॉपुलर शोज जो 2021 में रिलीज होने वाले हैं और इनका हर एक मूवी फैन को बेसब्री से इंतजार है। तो आप कौन से शो का वेट कर रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मूवीज और वेब सीरीज की बेस्ट चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।